भारत के गांव एक जैसे मंथर गति और सरल जीवन वाले मनुष्य प्रकृति के निकट संपर्क में, फिर भी एक गांव का जीवन दूसरे से भिन्न, ऐसा ही एक गांव है उत्तर बिहार मिथिला का मधुबनी। कहते हैं जन जन के आंखों के तारे श्री राम इसी मिथिला में आए थे सीता को ब्याहने। मध्य युग में मिथिला में केवल संस्कृत के श्लोक ही नहीं साथ साथ गूंजते थे प्रसिद्ध कवि विद्यापति के सरस गीत भी। मिथिला नारी प्राचीन काल से चित्र बनाती आ रही है घरेलू कामकाज से समय निकालकर। बने कागज पर देसी रंगों और कपास लिपटी तीलियों की मदद से उनके चित्र कल्पना, धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित हैं। रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों को बड़ी कुशलता से रंगा है यहाँ की कुशल महिला चित्रकारों ने।
हालांकि मिथिला की नारियां शौकिया चित्रकार होती हैं, फिर भी इनमें से कुछ ने बड़ा नाम कमाया है। ये रही प्रसिद्ध चित्रकार सीता देवी। 55 वर्ष की आयु में भी मधुबनी लोक कला की श्रेष्ठ चित्रकार हैं। हालांकि इनके चित्रों में केवल रंग और रेखाएं ही होती हैं, फिर भी कोहबर कक्ष की भीतरी दीवारें वर वधु और शुभ माने जाने वाले प्रतीकों से सुशोभित रहती हैं। Thank you.
ये लजीली वधू नया जीवन शुरू करने जा रही है, लेकिन अपना पुराना जीवन नहीं बिसरा सकती, चित्रकला से नाता नहीं टूट सकता। वो आज भी अपने नए वातावरण में चित्र बना सकती है, मधुबनी चित्रकला की परंपरा को जीवित रख सकती है।